दोस्तों, एमएलए जी डॉट कॉम पर आपका स्वागत करते हैं। आज हम आए हैं गुरुरत्न पाल किंगरे जी के पास। उन्होंने आज भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जो हैं सिरसा लोकसभा सुरक्षित क्षेत्र से, उन पर आरोप लगाए हैं, आदर्श आचार संहिता जो चुनाव की है उसका उल्लंघन के आरोप लगाए हैं। वो आरोप किस तरह के हैं, कितने गंभीर हैं, सीधा पूछते हैं किंगरे जी से। किंगरा जी, बताइए कि क्या आरोप हैं? ये आरोप नहीं है, ये रिपोर्ट है हरियाणा गवर्नमेंट की, डीजीपी हरियाणा की, आईजी अमिताभ ढिल्लों, जो कि बहुत ही ईमानदार और बढ़िया अफसर हैं, उनके द्वारा कुछ तथ्य जो हैं वो सामने लाए गए, उस रिपोर्ट में आया। और वो रिपोर्ट साबित करती है कि इस चुनाव में भाजपा प्रत्याशी द्वारा, उनके पति द्वारा, जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है उसकी वायलेशन हुई है। और डीजीपी, आप कह रहे हैं कि डीजीपी जो है हरियाणा के, उनकी एक रिपोर्ट है, उनके आधार पर आप ये कह रहे हैं, क्या वो है, उसमें क्या उन्होंने साबित किया है, उन्होंने क्या बताया है अपनी रिपोर्ट में? उन्होंने अपनी रिपोर्ट में दो तीन बातें जो मुख्य तौर पर बताई हैं कि मिस्टर राजेश दुग्गल का ऑफिशियल रेजिडेंस जो है हिसार में, वहाँ पर अभी अभी कुछ समय पहले एक कमरा बनाया गया और उस कमरे में श्रीमती सुनीता दुग्गल अपनी राजनीतिक गतिविधियां चलाने के लिए वहां से अपने वर्करों को मिलना और बाहर जो उस पार्टी का झंडा और स्टिकर लगी हुई गाड़ियां भी उस घर के बाहर पार्क होनी पाई गई, ऐसा उस रिपोर्ट में आया है। और कुछ ऐसे लोग, ऐसे कर्मचारी जिनकी ड्यूटी कहीं और है और दिखाई कहीं और जा रही है, ऐसा भी उस रिपोर्ट में आया है, ताकि वो सारे का सारा मामला इस चुनाव में, मतलब इनके सपोर्ट को लेकर या दूसरे प्रतिद्वंद्वी की जो प्रेजेंस को लेकर है, कि उनको प्रभावित किस तरीके से मतदान को इसमें किया जा सके, लोगों को कैसे प्रभावित किया जा सके। आप ये कह रहे हैं कि ये एक ऐसा कमरा बनाया गया है, उसमें उनके कार्यालय में राजेश दुग्गल जी हैं जो इनके पति हैं सुनीता दुग्गल के, उनके जो उस ऑफिस को इस तरह से प्रयोग किया जा रहा है जैसे भारतीय जनता पार्टी का चुनाव कार्यालय हो, ऐसा कह रहे हैं? रिपोर्ट में जो कहा गया है वो सिंपल इतना है कि रिसेंटली वहाँ पे एक कमरा, एक उस सरकारी आवास के एक कॉर्नर में कंस्ट्रक्ट हुआ और वहाँ पे ये पाया गया कि सुनीता दुग्गल जी अपने वर्करों को मिलती भी रही हैं और उसके बाहर, जो उस मकान के बाहर, उस कोठी के बाहर जो कार्यकर्ताओं की गाड़ियां भी खड़ी होनी पाई गई। क्या समझते हैं इस पर, क्या एक्शन लिया जाना चाहिए सरकार द्वारा, या डीजीपी की रिपोर्ट उन्होंने किसे दी है, उस पर कोई कार्रवाई हुई है या होने जा रही है, क्या होने जा रहा है? देखिए, इस सारी जांच में किसी सबूत की ज़रूरत नहीं है। चुनाव आयोग अगर इसको गंभीरता से लेता है और सही तरीके से अगर इसके ऊपर काम हो जाए तो इसमें सुनीता दुग्गल जी का कैंडिडेचर कैंसिल होना बनता है और जो ये लोग मामले, इस मामले में आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में जो दोषी पाए गए हैं उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो सकती है, मामला, मुकदमा जो है क्रिमिनल धाराओं में दर्ज हो सकता है। आपने अपने तौर पर क्या इसके बारे में कहा, आपने किसी को कहा है कि कौन कार्रवाई करे, आपने कहीं कोई? वो चुनाव आयोग को मैंने पत्र लिखा है, अब चुनाव आयोग के पाले में है गेंद कि वो क्या करते हैं। ये हैं किंगरे साहब एडवोकेट, और वो ये कह रहे हैं कि एक नागरिक होने के नाते, एक भारत के नागरिक होने के नाते, उन्होंने जो आचार संहिता के उल्लंघन का मामला है, जिस तरह से प्रयोग किया गया है सरकारी अमले का और सरकारी संपत्ति का प्रयोग किया गया है सुनीता दुग्गल द्वारा अपने चुनाव प्रचार के लिए, वो चाहते हैं कि चुनाव आयोग इस पर कार्रवाई करे और उनकी जो उम्मीदवारी है उसे रद्द किया जाए, ये उनकी मांग है। अब देखते हैं चुनाव आयोग इसके बारे में क्या करता है। आप हमारे साथ जुड़े रहिए MLAG.com पर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद।